स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 9.2। 9.2 में सबसे पहले आपके पास कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे एप्से। एप्से क्या होता है आपके पास? एप्से आपका एक ऐसा पॉइंट होता है सेंट्रल ऑर्बिट का, जिसके ऊपर अगर आप रेडियस वेक्टर ड्रोन करोगे सेंटर ऑफ फोर्स से, तो या तो उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी या उसकी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। देखो, जैसे आपने मान लिया ये आपके पास सेंटर ऑफ फोर्स है, आपका जो पार्टिकल है वो इस सेंट्रल ऑर्बिट में क्या करता है, मूव करता है। तो जो आपका एप्से होगा वो इस सेंट्रल ऑर्बिट के ऊपर कोई एक पॉइंट होगा। कैसा पॉइंट? कि अगर आप इस सेंटर ऑफ फोर्स से इसके ऊपर रेडियस वेक्टर ड्रोन करोगे, तो या तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी या इसकी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट को तो आप क्या बोल दोगे, एप्से बोल दोगे। और ये जो डिस्टेंस आएगा आपका, जो या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, उस डिस्टेंस को क्या बोल दोगे आप, एप्साइडल डिस्टेंस बोल दोगी। ठीक है, इसको क्या बोल दोगे आप, एप्साइडल डिस्टेंस। और इस पॉइंट को क्या बोल दोगे, एप्से बोल दोगे। या तो क्या हो वो मिनिमम या क्या हो मैक्सिमम। अगर ये वेक्टर मैक्सिमम होगा तो भी इस पॉइंट को क्या बोलोगे आप, एप्से बोलोगे। मिनिमम होगा तो भी क्या बोलोगे, इस पॉइंट को एप्से बोलोगे। और डिस्टेंस को क्या बोल दोगे आप, एप्साइडल डिस्टेंस बोल दोगे। ठीक है, अब आपके पास एक थ्योरम है इसके ऊपर बेस। देखो क्या है वो स्टूडेंट्स, थ्योरम की क्या स्टेटमेंट है आपकी, कि एट एन एप्से द पार्टिकल मूव्स एट राइट एंगल टू द रेडियस वेक्टर। कि जो आपके पास एप्से पॉइंट होगा सेंट्रल ऑर्बिट के ऊपर, उसका जो पार्टिकल है वो कितने एंगल पे मूव करेगा, राइट एंगल पे मूव करेगा रेडियस वेक्टर के साथ। और दूसरे उसमें क्या कह सकते हैं हम, एट एन एप्से रेडियस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। क्या है इस थ्योरम की डेफिनेशन, कि आपके पास क्या दे रखा है, एक एप्से एक आपके पास सेंट्रल ऑर्बिट है। तो जब आपका पार्टिकल इस पॉइंट पे होगा, जब इसको आप एप से बोलोगे, मींस या तो इसका जो रेडियस वेक्टर है वो मैक्सिमम होगा या क्या होगा, मिनिमम। तो इस पॉइंट के ऊपर जो आपका पार्टिकल है, उस पार्टिकल की जो डायरेक्शन है, जो उस पार्टिकल की जो मूव करेगा, वो कैसे मूव करेगा, इस रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर मूव करेगा। मींस इस पॉइंट के ऊपर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो उस टेंजेंट के बीच में और इस रेडियस वेक्टर के बीच में जो एंगल आएगा आपका, वो क्या आएगा, 90 डिग्री का आएगा। आपको ये शो करना है। कैसे शो करोगे, देखो अब आपका किस पॉइंट के ऊपर डील करना है आपको, एप्से के ऊपर। तो एप्से के ऊपर आपका आर क्या होता है, या तो मैक्सिमम या मिनिमम। तो आपका आर क्या होगा, या तो होगा मैक्सिमम या क्या होगा, मिनिमम। किस पॉइंट के ऊपर, एट एन एप्से। ठीक है, अब आपको पता है कि आप आर को क्या लेके चलते थे, यू, वन बाई यू। तो यू कितना हो जाएगा आपके पास, वन बाई आर। तो आर अगर मैक्सिमम है तो यू क्या हो जाएगा आपका, मिनिमम। और जब आर आपका मिनिमम है तो आर यू क्या हो जाएगा आपके पास, मैक्सिमम। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, अगर आर मैक्सिमम है तो यू मिनिमम होगा, आर अगर मिनिमम है तो यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। किस पॉइंट के ऊपर, एट एन एप्से। ठीक है, ये चीज़ तो आई एप्से की डेफिनेशन से ही। अब देखो आपके पास एक क्या रिजल्ट होता है, कि अगर कोई फंक्शन आपका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कंसीडर करता है किसी पॉइंट के ऊपर, तो क्या होता है उस पॉइंट के ऊपर, उसका डेरिवेटिव जीरो होता है। यही तो होता है आपके पास। मान लो ये आपका कुछ इस तरह से फंक्शन है, ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट के ऊपर है, इस पॉइंट के ऊपर। तो देखो इस पॉइंट के ऊपर आपके पास जो आपका जो आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो क्या है, पैरेलल है एक्स एक्सिस के। और स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर आपके पास पैरेलल है, और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है आपके पास, डेरिवेटिव होता है। तो इसका मतलब आपका जो डेरिवेटिव है वो इस पॉइंट के ऊपर जहाँ पे इसका मैक्सिमा लाई करता है, क्या होता है आपके पास, जीरो। ठीक है, तो आपका यू कितना है, मैक्सिमम या मिनिमम। तो डी यू बाई डी थीटा कितना हो जाएगा आपके पास, जीरो हो जाएगा, बाय डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। 12th क्लास में बहुत कर चुके हो आप ये सारा काम। ठीक है, अब आपके पास देखो, जब हमने स्टार्टिंग में पीडल फॉर्म निकाली थी, पी अगर आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते थे, इस पॉइंट से आप इसके ऊपर क्या ड्रॉ करते थे, टेंजेंट ड्रॉ करते थे। और सेंटर ऑफ फोर्स से इस टेंजेंट के ऊपर क्या ड्रॉ करते थे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे। तो जो ये डिस्टेंस आपका था, ये क्या था आपके पास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस में और इस आर में आपके पास क्या रिलेशन था, वन बाई पी स्केयर इज इक्वल टू वन बाई आर स्केयर प्लस वन बाई आर की पावर फोर
डी आर बाई डी थीटा और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब 1 बाई आर की वैल्यू कितनी है आपकी, यू, तो कर दो इसकी वैल्यू पुट, कितना आ जाएगा पी की वैल्यू, 1 बाई पी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यू स्क्वायर प्लस डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो डी यू बाई डी थीटा तो आपका जीरो है, तो 1 बाई पी स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास, 1 बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, और यू कितना है आपके पास, 1 बाई आर, तो आपके पास 1 बाई पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 1 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से क्या इम्प्लाई होगा आपके पास, पी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और यहाँ से क्या इम्प्लाई होगा, पी इज इक्वल टू आर, क्योंकि जब प्लस माइनस का तो कोई रोल ही नहीं है, रेडियस वेक्टर है तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव होगा, पी क्या है आपके पास, परपेंडिकुलर लेंथ, तो ये भी क्या हो गया आपके पास, पॉजिटिव, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, P is equal to R। अब पिछली वीडियो में हमने किया था, P की वैल्यू निकाली थी, P क्या आया था आपके पास, R sin of phi, phi क्या था आपके पास, जो ये रेडियस वेक्टर है और जो ये टेंजेंट है इसके बीच का एंगल, ठीक है। तो देखो P अगर आपके पास R sin phi है तो इसकी जब वैल्यू पुट करोगे कितना आएगा, R sin phi is equal to R, R से आपका R कैंसिल, sin phi की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1, sin phi 1, इसका मतलब phi कितना होगा आपके पास, pi by 2, और phi क्या है आपके पास, रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच का एंगल, तो इसका मतलब आपने क्या प्रूव कर दिया कि रेडियस वेक्टर और टेंजेंट दोनों आपस में क्या है आपके पास, परपेंडिकुलर है, और यही आपको क्या शो करना था कि जो रेडियस वेक्टर है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट के, यही आपको शो करना था और यही आपने शो कर दिया कि जो आपका रेडियस वेक्टर होगा वो क्या होगा आपके पास, एप्से पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, जब आप एप्से पॉइंट के ऊपर क्या ड्रॉ करोगे, टेंजेंट ड्रॉ करोगे, यानी कि जब आपका पार्टिकल मूव करेगा इस सेंट्रल ऑर्बिट में तो एप्से पॉइंट के ऊपर जब आप पहुंचेगा वो पार्टिकल आपका, तो रेडियस वेक्टर के कैसे मूव करेगा, वो परपेंडिकुलरली मूव करेगा, ठीक है, यही आपको क्या करना था, शो करना था।